निवेश से पहले हमेशा मन में सवाल रहता है, फ्लैट खरीदा जाए या प्लॉट। कई महीनों की रिसर्च के बाद भी खरीदार सही फैसला नहीं ले पाते। अगर आप भी इन्हीं सब सवालों से घिरे हैं तो प्रॉपर्टी प्लस की ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास है। निशांत कपूर अपना घर बनाने के बाद अब एक और प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन बाजार में ढेरों विकल्प मौजूद होने की वजह से निशांत ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि फ्लैट फायदेमंद रहेगा या प्लॉट। कंफ्यूज है प्लॉट्स पर मिलने वाला बेहतर रिटर्न और प्लॉट्स की सुविधाओं और पॉपुलैरिटी के बीच में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है और मे बी बहुत जल्दी इसको डिसाइड कर लूंगा मैं, लेकिन अगर सोच के चलूं कि अगले जल्दी घर लेने के लिए तो राजनगर मेरे को थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। काफी लोग लैंड में भी इन्वेस्ट करते हैं और वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, अगर आप उस लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंक्रोचमेंट से और यू नो कोई उसका पोजेशन ना ले ले, उसको कोई खतरा ना हो उसके टाइटल को, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। निशांत जैसे हजारों ग्राहक रियल एस्टेट बाजार में मुनाफा कमाने के इरादे से निवेश करते हैं। सही बजट होने के बावजूद ऐसे ग्राहक ये तय नहीं कर पाते हैं कि फ्लैट लें या प्लॉट। दरअसल फ्लैट या प्लॉट दोनों में निवेश के अपने फायदे और नुकसान हैं। महानगरों की बिजी लाइफ में जहां बेहतर सुविधाओं और सिक्योरिटी की वजह से अपार्टमेंट्स को ज्यादा पसंद किया जाता है, तो छोटे शहरों में लोग प्लॉट्स पर मनचाहा घर बनाकर रहना चाहते हैं। बड़े शहरों में जमीन की कमी के चलते प्लॉट के भाव में तेजी से उछाल आता है और यही वजह है जमीन में निवेश करना हमेशा से ही फायदे का सौदा रहता है। लेकिन जमीन का लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं ये जांचना बेहद अहम होता है। प्लॉट भले ही बढ़िया रिटर्न दे, लेकिन जमीन के टुकड़े को दूर दराज इलाके में खरीद कर उसकी देखभाल भी आप पर ही निर्भर रहती है। वही कम समय में मुनाफे की बात की जाए तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में पैसा लगाना आसान और बेहतर रहता है। फ्लैट खरीदने पर आप हर महीने रेंट भी वसूल सकते हैं, लेकिन फ्लैट्स की कीमतें प्लॉट के मुकाबले धीमी गति से बढ़ती हैं। प्लॉट लेने का एक फायदा ये भी होता है कि इसमें प्रोजेक्ट लेट होने का जोखिम नहीं होता है। प्लॉट खरीदने वालों को बिल्डर पर डिलीवरी के लिए निर्भर नहीं होना पड़ता है। ग्राहकों के पास प्लॉट पर अपनी इच्छा से काम करवाने का अधिकार भी होता है। जानकारों की राय में फ्लैट के मुकाबले प्लॉट के दाम भले ही ज्यादा होते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए प्लॉट पर रिटर्न भी बढ़िया मिलते हैं। उस एरिया का एक लिविंग स्टेटस या ओवरऑल सोशल सेटअप क्या है तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। अगर कोई एरियाज हैं जहाँ पे स्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और लो एंड डेवलपमेंट है तो नेचुरली वहाँ पे जो इंक्रीज होगा वो उस उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज में शायद ज़्यादा होगा। जहाँ एक तरफ प्लॉट खरीदने पर आप उसे अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, वहीं इन दिनों बिल्डर्स भी ग्राहकों को फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट बना कर दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप निवेश के लिहाज से प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं और बजट कम है तो आप फ्लैट ही खरीदे, और अगर 2 से 3 साल में ही बढ़िया और सिक्योर रिटर्न चाहते हैं तो प्लॉट का रुख कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी डुडेजा। अब वक्त है आपके भेजे सवाल पर हमारे एक्सपर्ट की राय लेने का। चलिए देखते हैं Q&A सेशन।